हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज़ मी मोहम्मद अली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसा कि कल आपने देखा, मैंने आपके साथ अगेन अपने फुल डे रूटीन शेयर की। जहाँ जहाँ गया, जो कुछ किया, मैंने आपको सब कुछ दिखाया। जितना मैं कर सकता था, जितना मुझसे हो सकता था, उतना सब कुछ मैंने किया। और कल मैंने आपको जैसा कल बताया भी था कि मैं घर से निकला हूँ बहुत कुछ सोच के, खूब खाऊं पीऊंगा, खूब इंजॉय करूंगा। लेकिन कल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना अच्छा इंजॉय नहीं किया, ना इतना अच्छा खा पी पाया, बस स्वीट खाई और घर आ गया। तो आज देखते हैं क्या करते हैं, क्या जो भी होगा वो आप सबको दिखाएंगे साथ साथ में। और अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, शावर मैंने ले लिया, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, देन आपसे बाद में मिलते हैं जी। अभी मैं प्रेयर मैट पे खड़ा हो गया हूँ, अभी नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ के आपसे होती है मुलाकात। जैसा कि आप सब ने देखा, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ के मैं फारिग हो गया था। तो अभी घर में बैठा हुआ था, मम्मी कहते हैं कि जाओ रोटियां लेके आऊँ। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ रोटियां वगैरह लेने के लिए, आप सबको भी साथ लेके जाता हूँ। और यकीन करें, डेली व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है। अभी मैं करता हूँ, पहले मैं जो भी व्लॉगर्स थे, ये जितने भी यूट्यूबर्स थे, उनको मैं देखता था। और मैं अगर वो उनसे छोटी भी मिस्टेक होती थी तो मैं, ये देखो कैसा व्लॉग बनाया मैं, हलवा। अभी जब मैं खुद बना रहा हूँ और खुद एडिट करता हूँ, मैं उनकी जो उनकी पेन है या जो भी उनका है ना हेडेक, वो मैं महसूस कर सकता हूँ अभी। क्योंकि आपको नहीं पता एक व्लॉग एडिट करने में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। अभी मैं इतना अच्छा एडिट नहीं करता, सिर्फ थंबनेल और वीडियो जो है वो सबको इकट्ठा करना, इतना ही। अभी ना मैं कोई मीम्स ऐड कर रहा हूँ बीच में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लव मुझे अपना लव नहीं दिखाएंगे, शो नहीं करेंगे, तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा। इसलिए डू सपोर्ट मी एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। और अभी मैं जाता हूँ रोटियाँ लेने, आप सबको भी साथ लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मैं अभी रोटियाँ लेने जा रहा हूँ, रोटियाँ लेने में इधर आ गया, पहुँच गया हूँ, मैंने ऑर्डर दे दिया है। जब आएंगी तब वो भी आपको दिखा दूंगा। मैंने सोचा उतनी देर आप सबके साथ बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने तो, मैं सच बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? जो अभी मेरा 3-4 दिन का एक्सपीरियंस है, इतना ही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। तो रोटियाँ मेरी आ गई हैं, रोटियाँ लेती हैं जी। तो रोटियाँ आ गई हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपसे अपना 2-3 दिन का एक्सपीरियंस, 3-4 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहले मैं व्लॉगिंग को हलवा समझ रहा था कि बस उठाना और खाना है, लेकिन नहीं, व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है। जिसके कम व्यूज़, कम ऐसे सब्सक्राइबर होते थे, मैं उनका व्लॉगिंग था देखता, खली बली छोरो, ये क्या, इनका क्या कंटेंट होगा। तो नहीं, ये जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अभी मैं हूँ, मैंने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अपना लव दिखाएंगे, और मैं भी एक दिन दूसरे बड़े व्लॉगर यूट्यूबर्स की तरह बनूंगा, मैं भी एक बड़ा यूट्यूबर इंशाल्लाह। और अभी मुझे एक कॉल आ गई थी घर से कि तुम रोटियां दो और फौरन है ना मार्केट जाओ, उधर कुछ सामान लेना है। वो सामान लेते हैं, आप सबको भी साथ में दिखाऊंगा क्या क्या लेंगे, ठीक है? आपसे मुलाकात होगी उधर जाके। मैंने अभी जो व्लॉग अपलोड किया आज, जो मैंने कल बनाया था और आज मैंने व्लॉग अपलोड किया, उस पर मैंने जो एंड करना होता है वो मैंने बनाई थी वीडियो, वो मैंने एक और वीडियो के साथ अटैच किया हुआ था, लेकिन वो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, एंड नहीं हुआ उस व्लॉग में जो मैंने अभी अपलोड किया आज। कोई बात नहीं, अभी छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप मुझे सपोर्ट करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लव दिखाएं। अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जा के रोटियाँ देता हूँ, फिर जाता हूँ मार्केट में और आप सबको भी अपने साथ लेके चलता हूँ। तो फाइनली मैं मार्केट में पहुंच गया हूँ, मेरे साथ मेरी नीस भी आई है, लेकिन वो आगे सिस्टर ने उठाई हुई है, पहले मेरे पास ही थी, लेकिन उसको काफ़ी कफ, फीवर और फ्लू वगैरह है, तो इस वजह से वो अभी उसके पास चली गई, मेरे पास जिद कर रही थी। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, जो भी लेंगे आप सबको भी दिखाएंगे जी। तो मैं अभी आया था फूड स्टॉल की तरह, इधर लगा हुआ था, और जो है मैंने एक ये सूप मंगवाया, ऑर्डर किया, और एक ही मैंने चिकन वेजिटेबल पास्ता, ये मिक्स है, एक ये मैंने ये मंगवाया। जब मेरा ऑर्डर रेडी होएगा, मतलब जब आ जाएगा, तब मैं आपको भी दिखाऊंगा। उधर हो रहा है रेडी, आप एज यू कैन सी जी। तो मेरा पास्ता और सूप आ गया, अभी इनको उठाते हैं और चलते हैं अपनी सिस्टर की तरफ, और उसके ट्रॉली भी ये दे रखे हैं।
जी फाइनली सामान ले लिया, अभी रखते हैं, चलते हैं घर, और घर जाके देन आपसे बाद में मुलाकात होगी। जी मैं अभी आया हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि दोपहर को घर में बना हुआ था चिकन, और अम्मी कह रहे थे खाना खा लो, लेकिन मैंने कहा मैं दो टाइम एक खाना नहीं, सेम खाना नहीं खा सकता दोनों टाइम, तो इस वजह से मैं अभी आया हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए। मुझे थोड़ा सा फ्लू भी है, लेकिन मेरा फ्रेश ऑरेंज जूस पीने का दिल कर रहा है, अभी मैं फ्रेश ऑरेंज जूस पीऊँगा और साथ में कोई सैंडविच वगैरह खाऊँगा, जो भी खाऊँगा आप सबको साथ में दिखाऊँगा। फ्रेश ऑरेंज जूस और मेरे ट्विस्टर आ चुके हैं, इधर बाय टू गेट वन फ्री की ऑफर चल रही थी कि दो ट्विस्टर लेंगे और एक फ्री मिलेगा, मैंने कहा दो तो वैसे ही मैंने लेने हैं क्योंकि एक से ज़्यादा मैंने खाना था, तो जो बचेगा वो मैं घर ले जाऊंगा। अभी मैं खाता हूँ अपना खाना और पीता हूँ अपना फ्रेश ऑरेंज जूस और साथ में आपको भी दिखाता हूँ। मज़ेदार फ्रेश ऑरेंज जूस पी के तो मुझे मज़ा ही आ गया, मज़ेदार मज़ा आ गया। आपके घर वालों का तो नहीं मुझे पता कि आपके घर वाले कैसे हैं, लेकिन हमारे घर वाले के ऐसे हैं मैं बताता हूँ कि जब भी मैं बाहर जाऊँ कहीं भी जाऊँ पीछे से एक दफ़ा लाजिम कॉल आनी होती है कि बेटे कहाँ हो, ये लेते आना ये लेते आना, और अभी मुझे कॉल आई है कि रोटियाँ लेके आना, मैंने कहा चले ठीक है अभी मैं ले आता हूँ, अभी रोटियाँ लेते हैं देन घर चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ मैंने ले ली, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, घर जाके ब्लॉग भी एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुंच गया था और आज इसी के साथ साथ अपना व्लॉग करते हैं एंड, कल होगी इंशाल्लाह आपसे आपके साथ मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।